के कहा गया सबको दो एचआरटी, एवरीबॉडी मस्ट हैव एचआरटी, क्योंकि मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ इन द लेटर एज इज ट्रॉमा फ्रैक्चर्स, तो हर एक को दे दो। फिर वो कैनेडियन स्टडी आ गई, जो उसमें उन्होंने क्या कहा कि नहीं 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 इसमें ईस्ट्रोजन रिलेटेड सर्टन कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा हायर इंसिडेंस आ गया ब्रेस्ट कैंसर का, थोड़ा सा हायर इंसिडेंस आ गया रेक्टल कैंसर का, कोलन कैंसर का, तो एकदम से पेंडुलम स्विंग हो गया अगेंस्ट एचआरटी, सब ने बंद कर दी, ना ना ना, हालांकि वो बड़ा नेग्लिजिबल हायर इंसिडेंस था, तो वो सबको बंद कर दी गई। फिर उससे बड़ी स्टडी आई, मिडिल स्टडी, तो उसमें कहा गया कि नहीं इतने भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, पॉजिटिव भी हैं, तो अब पेंडुलम हाफ वे है। हाफ वे किस तरह है, ये नहीं कहा जा रहा कि आप हर एक को एचआरटी दें, नंबर वन जिनको सिम्टम्स हैं उनको दें, जिनको सिम्टम्स हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, थिंग्स लाइक दैट, पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल, वहाँ बाहर के मुल्कों में तो नियरली 45% वीमेन दे गो फॉर दिस हॉट फ्लशेस, अपने मुल्क में इतना शायद हाई नहीं है वट एवर द रीजन्स, लेकिन जिनको हॉट फ्लशेस हैं उनको दें। बाकी रह गया कि ये जो जितने भी हायर इंसिडेंस हैं वो उस वक्त हफ्ते होते हैं जब एचआरटी को प्रोलॉन्ग ट्रीट दिया जाए, इनडेफिनेटली दिया जाए। अब रिकमेंडेशन नंबर दो ये है, एक तो जिनको सिम्टम्स हो उनको दो, नंबर दो जिनको दो 5 साल के लिए दो, फिर ब्रेक कर दो, फिर ब्रेक कर दो। नंबर तीन के जब आप एचआरटी दो उसके फॉलो अप कैसे करना है, जाहिर है कि उसको आप ईयरली बुलाइए और उसको पूछिए नंबर वन सिम्टम्स कोई हैं मीनोपॉज रिलेटेड के नहीं है, या साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन विच यू आर गिविंग, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जनरली कंबाइंड लिया जाता है तो कोई है कि नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो फिर उनका फॉलो अप जनरली स्पीकिंग उनकी हिस्ट्री और उनका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, और पैप स्मियर की अगर ज़रूरत है तो वो हर 3 साल बाद रिपीट होता है, वेस्ट में हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तो वो करवा लीजिए, और हर एक की मेमोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उनकी अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी की ज़रूरत होगी, सो हर एक की ज़रूरत नहीं है। फिर रह गया जिसके आप 60 साल के बाद देंगे, अगर कोई आ जाता है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस और इस थिंग्स लाइक दैट, उनमें आजकल की जो मुझे तहाँ तक याद है रिकमेंडेशन है 60 से 65 तक आप फिर दे सकते हैं ईस्ट्रोजन, दे सकते हैं एचआरटी, दे सकते हैं फॉर ऑस्टियोपोरोसिस और स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, उसके बाद अगर कोई देने की जरूरत है तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जनरली 65 के बाद एचआरटी की जरूरत नहीं। ये इतना सा मुझे जबानी याद है, आप इसमें कुछ और पूछना चाहें तो पूछें। थैंक यू सर, थैंक नंबर वन यू। एचआरटी इज नॉट फॉर एवरीवन, नंबर टू इट इज रिकमेंडेड फॉर दोस्त जिनको सिम्टम्स हों, नंबर तीन इनडेफिनेटली नहीं देनी, इसको इंटरप्ट करके 5 साल के बाद देना है, नंबर चार जिनके फैमिली हिस्ट्री सी ए ब्रेस्ट की है उनका स्पेशल अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम की जरूरत है, बाकियों की जरूरत नहीं। चलिए और कुछ, अभी तो आप 8-9 ही है, 9 मेरी स्क्रीन पे तो 9 आ रहा है, कुछ और पूछना हो नहीं तो शुरू करूं। सर अभी 16 है टोटल। 16 है, चलो 16 भी काफी होते हैं।
मैं तो एक भी बैठा हो तो उसको भी पढ़ाने पे ध्यान। एक्चुअली अभी 9 ही बजे, उस वक्त तक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं आज तो करना ही, डॉक्टर अरूबा ने कहा है कि टोक्स रिलेटेड सवाल कीजिए आप, तो टोक्स रिलेटेड मैंने तो कुछ तैयार किए हैं, आप आ जाए तो फिर कर लेते हैं। आपने कुछ पूछना हो टोक्स रिलेटेड? आप सारे बड़े खामोश खामोश हो आज, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। ये वर्डाइम हिस्टेरेक्टमी और ये रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, प्लीज इसको आसान करके समझाते हैं। कोई वर्दाइन एक गायनेकोलॉजिस्ट थे वियनीज, उनके नाम पे है वर्दाइन हिस्टेरेक्टमी। बेसिकली दिस हिस्टेरेक्टमी इज फॉर कैंसर ऑफ द सर्विक्स, उसमें जहाँ पे भी कैंसर की सर्जरी होती है वो ऑर्गन को रिमूव किया जाता है और फिर उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज को रिमूव किया जाता है। आई रिपीट, किसी ऑर्गन में अगर कैंसर है तो उसकी रेडिकल सर्जरी जो कहलाती है वो है कि ऑर्गन का रिमूवल प्लस उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड लिम्फ नोड्स जो उसको ड्रेन करते हैं उसका रिमूवल। तो अब हमें यूट्रस का पता है कि जी एन आर एच एनालॉग पे किसी ने सवाल पूछा है, वो मैं ये कर दूं तो फिर बहुत करते हैं। तो वर्दाइम हिस्टेक्टमी जिसको हम कहते हैं, दैट इज द हिस्टेक्टमी डिस्क्राइब बाय वर्दाइम फॉर सीए सर्विक्स। सो उसमें पूरा ऑर्गन रिमूव करना है, दैट मीन्स यूट्रस सर्विक्स एंड उसके सर्विक्स के इर्द गिर्द का अपर पार्ट ऑफ वजाइना, और फिर इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज है पैरासर्वाइकल ग्लैंड्स, देन लिम्फ नोड्स ऑन द साइड्स ऑफ द पेल्विस, इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक, कॉमन इलियक, ये लिम्फ नोड्स, और उसके ये सारे आप रिमूव कीजिए तो इसको वर्दाइम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। और रेडिकल हिस्टेरेक्टमी जैसा आपने पूछा इज बेसिकली सेम एज वर्दाइम हिस्टेरेक्टमी। आप इम्तिहान में प्रिंसिपल ये रखिए, अगर कैंसर है तो वी हैव टू रिमूव द ऑर्गन एंड लिम्फ नोड्स। सो आप इम्तिहान में फर्क मत कीजिए बिटवीन रेडिकल सर्जरी, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी एंड वर्दाइम हिस्टेरेक्टमी, तो इसमें आप सेफर रूट पे हैं। हालांकि जो रेडिकल को अलहदा करके करते हैं वो समझते हैं कि यूट्रस के जो पैरा सर्वाइकल ग्लैंड हैं, पैरा यूट्राइन ग्लैंड हैं इन द ब्रॉड लिगामेंट, उन्हीं को रिमूव कर दिया जाए तो काफ़ी है ना। इम्तिहान में आप कहिए जी वर्दाइम हिस्टेरेक्टमी, मैं आपको अपनी आपको सेफ रहने की बात बता रहा हूँ। वर्दाइम हिस्टेरेक्टमी इज फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स इन विच रिमूवल ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना और लिम्फ नोड्स। फिर सवाल दोहराइए, यंग पेशेंट हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है, मैंने पढ़ा नहीं पूरा। एस खान की तरफ से तो सवाल पता नहीं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू चले सर। अच्छा, किसी ने पूछा है कि व्हाइल आई वाज टॉकिंग कि जी एन आर एच के मतलब कुछ बताइए, तो आप इम्तिहान के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। जो मैं मेरी आदत है जो आपको इम्तिहान में कहना चाहिए वही कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली किताब के हिसाब से हो या किताब। तो जी एन आर एच एनालॉग्स या एंटागोनिस्ट, तो दो हैं मार्केट में। एनालॉग आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, एनालॉग जो है वो है कि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच जो आज की हमारी रिलेटेड बात है, तो एफ एस एच एंड एल एच रिलीज होता है वो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और ओवुलेशन होती है। ये वेरी ब्रीफली ये फिजियोलॉजी है। तो उसमें देखा गया है ये कि अगर आप जब ए आर टी या पुराने जमाने में आई वी एफ कहते थे इसको,
जब IVF ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उसमें जब स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज करते थे, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन COS, तो वो करते थे कि एक से ज़्यादा एग्स मिल जाए हमें। उसमें अगर इंटरनल FSH LH पैदा होता तो वो इंटरफेयर करता था विद द स्टिमुलेशन रेजिम। तो उसके ख्याल ये हुआ कि वो जो इंटरफेरेंस है उसको बंद करने के लिए हम पिट्यूटरी को सुप्रेस करें, पिट्यूटरी या पिट्यूटरी सुप्रेशन मींस इंट्रिंसिक FSH LH की प्रोडक्शन बंद कर दे ताकि टोटल कंट्रोल एक्सटर्नल हो। जो हम बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं FSH LH के, वो उससे स्टिमुलेशन हमें पक्की कंट्रोल रहेगी। तो उसके लिए जो GnRH एनालॉग्स, यानी वो दिखाए गए कि वो जैसे कि पिट्यूटरी के वही FSH LH को एक्शन कर, लेकिन वो इतनी डोज में होते थे कि वो पिट्यूटरी खुद एग्जॉस्ट हो जाती थी और वो फिर प्रोडक्शन नहीं होती थी। इसको फ्लेयर कहते थे, फ्लेयर ऑफ द पिट्यूटरी, कि वो टोटली उसमें से FSH LH निकलना, जो उसका स्टोरेज होता था खत्म हो जाता था। जब फ्लेयर खत्म होता था उसके बाद पिट्यूटरी से कुछ FSH आता नहीं था, तो आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन वेल कंट्रोल्ड रहती थी। तो उसी लिए अब जो स्टिमुलेशन की दो रिजीम चल रही है ART में, एक को कहते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल, एक को कहते हैं शॉर्ट प्रोटोकॉल। लॉन्ग प्रोटोकॉल में हम GnRH एनालॉग शुरू करते हैं प्रीवियस साइकिल डे 21 से। प्रीवियस साइकिल डे 21 से वो इंजेक्शन डेली लगता है GnRH एनालॉग का, तो वो जो फ्लेयर है वो खत्म हो जाती है अगले 6-7 दिन में। पिट्यूटरी के अपने FSH LH बनने खत्म हो जाते हैं, और इसलिए 21 डे से शुरू करके फिर हम एस्टिमेट करते रहते हैं कि वो जब लगता है कि बिल्कुल नहीं, जनरली 7 दिन 8 दिन के बाद फिर हम ओवेरियन स्टिमुलेशन शुरू करते हैं, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन FSH या जो भी टीके हैं वो हमारे वो लगाते हैं, और तो ताकि कंट्रोल पूरा रहे। तो एक तो यूज GnRH का नंबर वन जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये हो गया कि आप लगाइए, और 21 डे से स्टिमुलेशन शुरू, लॉन्ग प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। 21 डे प्रीवियस साइकिल का जो है उस दिन ये टीके शुरू कीजिए और फिर जारी रखिए थ्रू आउट टिल द लास्ट डे ऑफ जिस दिन आपने उसको देना है LH, उस दिन तक ये रहता है, फिर उस दिन बंद कर देते हैं। ये लॉन्ग प्रोटोकॉल है, इसका प्रिंसिपल ये है कि पिट्यूटरी को ये एग्जॉस्ट करता रहता है एनालॉग के, और FSH LH उस वहाँ से निकलता नहीं। 6-7 दिन के बाद वो बिल्कुल थकी होती है, एग्जॉस्टेड है, और फिर आपका पास पूरा कंट्रोल होता है। और ये लॉन्ग प्रोटोकॉल है, शॉर्ट प्रोटोकॉल में ही नहीं है। शॉर्ट प्रोटोकॉल में एंटेगोनिस्ट देते हैं, वो मैं आज उसमें नहीं जाता। आपने एनालॉग का पूछा, दूसरा एनालॉग का इस्तेमाल है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस जाहिर है कि एक्टॉपिक प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम विच रिस्पॉन्ड्स टू FSH एंड LH पिट्यूटरी हार्मोन्स, और उसमें आप GnRH टीके लगा दें एनालॉग के, तो पिट्यूटरी में से बंद नहीं होती, FSH LH प्रोडक्शन शुरू में फ्लेयर होके ख़त्म हो जाता है, और फिर 3 महीने 6 महीने आप GnRH का टीका हर महीने एक लगाते रहते हैं ताकि सिर्फ पिट्यूटरी सप्रेस्ड है। जो आमतौर पर उसका ब्रांड नेम है जोलोरेक्स, तो वो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है। उसमें बेसिक प्रिंसिपल यही है GnRH एनालॉग का। ये दो मैंने यूज बताए आपको GnRH के, एक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ART इन लॉन्ग प्रोटोकॉल, और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस Grade 3-4 जिसमें आप 3 से 6 टीके लगवाते हैं मंथली, वो ये। जी बोलिए तहजीब खान, आप वन मोर क्वेश्चन क्या?
लेकिन मेरा ख्याल है नॉट ए लॉट ऑफ पीपल आर हेयर, ओनली 25 मेरी स्क्रीन पे है, जब मेरा 30-32 ही आ जाओ। चले शुरू करते हैं। मैंने सोचा पहली बात, मुझे जब कहा गया कि टॉक्स के सवाल आप भेजिए क्या कौन से चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते अच्छी तरह। ओनली 2 persons रिस्पॉन्डेड। एक ने कहा जी पेसरी का ट्रीटमेंट बताइए और दूसरे ने कहा यूरोडायनेमिक्स बताइए, बस बात खत्म हो गई। 2 सवाल है। मैं सोचा पहले टू गिव देम रिस्पेक्ट कि उन्होंने सवाल पूछा है, पहले मैं इन्हीं 2 चीज़ों की बात करता हूँ, फिर जो मेरे पास लिस्ट आई है टॉक्स की, अरूबा और डॉक्टर फौजी अंजुम ने बना के भेजी है, रात मैंने उनके उस पर थोड़ा सा काम किया, तो मैं फिर उसकी बात करता हूँ। पहले पेसरी ट्रीटमेंट, पेसरी ट्रीटमेंट ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। जब आपसे इम्तिहान में यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स का केस आए और पूछा जाए क्या ट्रीटमेंट है, किताब में लिखा हुआ है नंबर 1 एक्सरसाइजेस, प्रिवेंशन छोड़ देते हैं कि आप लेबर का मैनेजमेंट छोड़िए, आज उस वो डिस्कशन में नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन नहीं, ट्रीटमेंट है। पहला एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, आसान उसी मैं बता देता हूँ, ये सिंपल एक्सरसाइज दी है कि आप किसी के घर जाएं, आपको पेशाब आया हो या यू फील लाइक गोइंग टू द बाथरूम, लेकिन उनके घर में आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनका बाथरूम, तो यू टाइटन अप योर पेल्विक फ्लोर या पेल्विक मसल्स, ये है, बार बार उसको रिलैक्स कीजिए, टाइटन कीजिए, रिलैक्स के आसान है, उसको एग्जामिनर को भी बताना और पेशेंट को भी बताना, एक्सर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें, उससे टोन अप हो जाता है तो थोड़ा में भी बेहतरी आ जाती है। तो लेकिन दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो पेसरी है, वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। पेसरी जो है 2 तरह की, एक रिंग पेसरी है, दूसरे के लिए अदर पेसरीज कह दीजिए, बस अदर पेसरीज में जो हमें अवेलेबल हर जगह है भी नहीं लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है, वो है हॉज पेसरी, वो अदर देन रिंग पेसरीज को स्टेम पेसरीज भी कहते हैं। तो मेरी सजेशन होगी आप इम्तहान में कहिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेसरीज इन यूज, एक रिंग पेसरी दूसरा स्टेम पेसरी, और बेशक हॉज पेसरी कह दीजिए, एक सी बात है। तो ये तो दूसरा ट्रीटमेंट है इंसर्शन ऑफ ए पेसरी। तो पेसरी जो जनरली इन यूज इज रिंग पेसरी। रिंग पेसरी जो है पुराने जमाने में रबर की होती थी, दैट कॉज लोकल इरिटेशन विजाइन डिस्चार्ज, आजकल पॉलीएथिलीन की है, वो लोकली नॉन इरिटेंट है, इसलिए उसका कॉम्प्लिकेशन विजाइनल डिस्चार्ज नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो जनरली पेशेंट्स आर कंफर्टेबल ऑन दैट अकाउंट। और जब आप रिंग पेसरी के वेरियस साइजेस हैं तो आप पहले असेस करते हैं विजाइना की कैपेसिटी, उसके मुताबिक लार्जर साइज जो है वो, अगर ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर थोड़ी कैपेसिटी है, नली प्लस प्रोलैप्स है उसमें थोड़ी होगी तो छोटी पेसरी डाल देते हैं। और पेसरी का प्रिंसिपल ये है कि जब आप इसको ट्विस्ट करके डालते हैं और इंसर्ट करते हैं एंट्रोपोसीरियली, अंदर जाके वो रोटेट करके खुल जाती है और इट रेस्ट ऑन द इनर मार्जन्स ऑफ लिवेटर एनाई, ये किताब में ऐसे क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ, इनर मार्जन रेस्ट करती है लिवेटर एनाई के ऊपर, तो वो उसको यूट्रस को नीचे नहीं आने देती, इसका प्रिंसिपल ये है। तीसरी बात के पेसरी की मैनेजमेंट, जब आपने पेसरी डाल दी तो हर रिकमेंडेड है 3 से 6 महीने बाद पेशेंट को बुलाइए, निकाल के उसको वॉश करके पॉसिबली स्टरलाइज करके या क्लीन करके कम से कम वो फिर डाल सकते हैं आप सेम पेसरी और नई पेसरी। और यही इनकन्वीनियंस है पेसरी में कि पेशेंट को देखे ना, अगर 35-40 की एज में प्रोलैप्स हो गया तो 30 साल क्या रेगुलरली आती रहेगी फॉर चेकअप एंड चेंज ऑफ पेसरी, मुश्किल हो जाता है, तभी ये इतना पॉपुलर ट्रीटमेंट नहीं है। तो रह गया तीसरा ट्रीटमेंट, वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में वो आज चूँकि हम प्रोलैप्स की थोड़ा बात कर रहे हैं तो उसकी वेरियस है, रिपेयर्स हैं, हिस्टेक्टमी है,
सस्पेंशंस हैं, कॉर्पस सस्पेंशंस हैं, वो आज मैंने रिसेंटली पढ़ाया भी था आपको, वो आ गया. सो पेसरी नंबर वन, इट इज इंडिकेटेड व्हेन द पेशेंट डजंट वांट सर्जरी और वांट्स टू पोस्टपोन सर्जरी. नंबर टू, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पेसरीज. वन रिंग पेसरी मेड ऑफ पॉलीएथिलीन, रबर की नहीं, पॉलीएथिलीन. और नंबर तीन, इसके वेरियस साइजेस हैं. यू असेस द साइज कैपेसिटी ऑफ द वजाइना, देन अकॉर्डिंगली 85-90 तक जाता है या 70, जो भी कैपेसिटी हो उसके उतने मिलीमीटर का साइज लेके वो इंसर्ट कर देते हैं. और उसका रेगुलर ट्रीटमेंट यह है कि उसको 3 से 6 महीने बाद बुला के आप पूछते हैं सिम्टम्स, वेदर इज हेल्पिंग हर आर नॉट. इफ इट इज हेल्पिंग मेक्स हर कम्फर्टेबल, फिर तो जारी रखिए. इफ इट डजंट वर्क, तो पेशेंट फील सेम अनकम्फर्टेबल, फिर उसका कोई ट्रीटमेंट, फिर कहिए जी फिर तो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है. सो रिव्यू द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एवरी 3 to 6 months एंड चेंज एंड क्लीन द पेसरी. और नंबर तीन, अगर पेसरी काम नहीं करती तो फिर ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिपेयर. सर्जिकल रिपेयर में वो वेरियस टाइप्स ऑफ रिपेयर कैन बी गिवन. तो पेसरी ये होगी. इसी चूंकि हम प्रोलैप्स की बात कर रहे हैं तो मैंने, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं कहूँ, अगर आपको इम्तिहान में हिस्ट्री पेशेंट की सजेस्टिव ऑफ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है तो जब एग्जामिनेशन पे आता है आप लोग फंबल करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आज आपको सिंपल सा लाइन ऑफ एक्शन बताता हूँ. यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की हिस्ट्री है, पहले आपने पेशेंट को जब हिस्ट्री ख़त्म हो गई, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने पेल्विक एग्जामिनेशन करना. पेल्विक एग्जामिनेशन में आप पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में लिटाए रखते हैं जैसे वो लेटी हुई है, और लेग्स फ्लेक्स कर लेते हैं, और कवर करना ना भूलिए, कवर कर प्रॉपरली कवर करना चाहिए क्योंकि हमारे पेशेंट बड़े शाही होते हैं, दे डोंट लाइक टू बी एक्सपोज. तो फिर वो पेशेंट को कफ नहीं कहना, स्ट्रेन कहना. नंबर वन, के ज़रा नीचे को जोर लगाइए, ऐसे जोर लगाइए जैसे आपको कब्ज़ होती है, तो वो फिर बात सबको समझ आ जाती है इसका मतलब क्या है. जनरली कैंडिडेट कहते हैं कफ, कफ नहीं, वो कफ इम्पल्स नहीं देख रहा है, आप बेरिंग डाउन देख रहे हैं, बेरिंग डाउन. तो नीचे को जोर लगाइए, वो देखते हैं आप. फिर वो उसकी प्रोलैप्स की, आज उसकी डिस्कशन की डिटेल में नहीं क्योंकि मैं तो सिर्फ पोजीशन की बात करना है, तो आप देखते हैं कि वो ये स्टेज 1, 2, 3 जो कौन सी स्टेज का प्रोलैप्स है, सिस्टोसील, लैक्टोसील है. ये अगर विजिबल ना हो, अगर वो विजिबल ना हो, पहली बात तो जो ही पेशेंट की हिस्ट्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की है लिख लें आप किताब में, कॉपी में जहाँ लिख रही हैं कोई नोट, नहीं भी लिख रही तो आज लिख लें कि आपने फौरन फौरन अपने माइंड से कस्कोस स्पेकुलम बाहर उठा के फेंक दें. आप में से मेजोरिटी पे, क्योंकि आदत है हमें कस्कोस के इस्तेमाल करने की, बाइवेल्व स्पेकुलम के वो इस्तेमाल करते हैं और फेल हो जाते हैं. Because that is not the right speculum for you use in a patient who has got uterovaginal prolapse. So, आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है तो सिम स्पेकुलम इस्तेमाल करना, और सिम स्पेकुलम डॉर्सल पोजिशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए फिर क्या करना है तो आप कहिए. अगर डॉर्सल पोजिशन में विजिबल नहीं है इतना और आप कहते आपको महसूस होता है कि सर्विक्स आपको दिखाई नहीं दी, आपने देखनी है और हो सकता है वो स्टेज 1 का प्रोलैप्स ही हो, अंदर ही हो वजाइना के, तो फिर आपने उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में डालना है. प्रेफरेबल है उससे भी बेहतर सिम्स मॉडिफाइड पोजीशन या सिम्स पोजीशन. अनफॉर्चुनेटली आई कांट डेमोंस्ट्रेट दैट ऑन स्क्रीन, लेकिन आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए जाके. आप चूंकि सिम्स पोजीशन ना आपका प्रोफेसर इस्तेमाल करता है ना आपके वार्ड में इस्तेमाल होती है, आपको पता ही नहीं. हालांकि दैट इज द बेस्ट पोजीशन टू एग्जामिन यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, लेकिन अगर सिम्स पोजीशन में नहीं डाल सकते फॉर एनी रीजन तो फिर
नेक्स्ट पोजीशन जिसमें डालनी चाहिए वहाँ अवेलेबल नहीं होगी आपको, वो है लिथार्टमी पोजीशन। तो टू सम इट अप, पोजीशन फॉर यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, आप इसमें फंबल करते हैं अक्सर, तो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स पे भी कोई फेल होना चाहिए, फेल हो जाते हैं अननेसेसरी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नंबर वन जिसकी हिस्ट्री सजेस्टिव है तो उसको आपने डॉर्सल पोजीशन में पहले देखना है, अगर सर्विक्स विजिबल नहीं है, सेकंड स्टेज टू थ्री नहीं है प्रोलैप्स की, सर्विक्स बाहर नहीं आती, तो फिर आपने उसको सेम्स पोजीशन में एग्जामिन करना है और उसका इजी हो जाता है सेम्स पोजीशन में, वरना लेटर पोजीशन में अपर बटक मोटी औरत में नीचे को आता है तो आपको दिखाई नहीं देता, फिर वो आपके दोनों हाथ बिजी हैं, समझ नहीं आती बटक को ऊपर कौन उठाए, आप मैडम को कह नहीं सकते कि मैडम जरा आप मेरी हेल्प कीजिए, मैडम कहीं नाराज हो जाती हैं इस बात पर। तो इसलिए बात सिंपल के यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स में एग्जामिनेशन पहले डॉर्सल पोजीशन में, और अगर इफ नीड बी देन सिम्स पोजीशन में आपने करना है। नंबर बिफोर वी गो ऑन, तो मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल देना चाहता हूँ टॉक्स में, जहाँ पे स्पेसमेन पड़े होते हैं ना, चार पांच स्टेशन पे कोई स्पेसमेन पड़ा होगा, किसी पे फोर्सेप्स पड़ा होगा, किसी पे लैपोस्कोप पड़ा होगा, किसी पे हिस्टोस्कोप पड़ा होगा, किसी पे कंट्रासेप्टिव पे वेरियस जो हैं वो सी कंटिन्यूस वाली वो 21 ब्राउन 21 वाइट 7 ब्राउन वो पैकेट बना होगा, कहीं पे इम्प्लोनॉन पड़ा होगा, कहीं पे फोरिस कैथेटर पड़ा होगा, कहीं चार पाँच 14-15 स्टेशन होते हैं, चार पांच में कोई स्पेसमेन पड़ा होगा, तो और जनरली पैथोलॉजिकल स्पेसमेन नहीं होते लेकिन वो भी हो सकते हैं, फाइब्रॉइड के लिए या सर्विक्स सीए के लिए निकली हुई यूट्रस पड़ी है तो आपको वो डिस्क्राइब करना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी बात हो तो पहले तो आपने स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना, ये है क्या, ये फोलिस कैथेटर या जो भी है, ये लाप्रोस्कोप है, ये फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने फोलिस क्यों कहा, या आम कैथेटर क्यों नहीं है, चूंकि उसमें बलून बना हुआ है, ये लैप्रोस्कोप कैसे है, चूंकि वो आपके इसमें टेलीस्कोप है और देखने की और साइड चैनल है और कार्बन डाइऑक्साइड डालने के लिए, ये हो जो आप मेरे पास इस तरह से डेमोस्ट्रेट करने के लिए नहीं, लेकिन आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्पेसिमेन को आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाई कर लिया तो कहते फिर ये किस लिए इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट इज ये टू डिस्क्राइब, एग्जामिनर पूछे ना पूछे आपने इंडिकेशंस फॉर इट्स यूज, फॉर इट्स यूज, जैसे मसलन लैप्रोस्कोप की ये इंडिकेशन जो होंगी कि उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो नंबर वन के जी जहाँ आप कोई ऐसी डिजीज इन द पेल्विस सस्पेक्ट कर रहे हैं जो जिसको हम विजुअली ले देख के कंफर्म करना चाहते हैं, मसलन वहाँ पे एडिजन्स हैं, वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है, वहाँ पे फाइब्रॉइड छोटे छोटे हैं या कोई ट्यूब ओवेरियन मैसेस हैं, तो इसके लिए, उसके अलावा बड़ा कॉमन यूज है इनफर्टिलिटी के लिए या सब फर्टिलिटी के लिए, तीसरा पेशेंट विद क्रॉनिक पेन और एक्यूट पेन जहाँ आप सस्पेक्ट करते हैं एक्टॉपिक ना, ये तीन चार इस तरह से इंडिकेशन बोल रही हैं, इंडिकेशन फॉर इट्स यूज, पहले हमने डायग्नोज कर लिया कि जी जैसे लैप्रोस्कोप, फिर वो पूछेंगे या पूछें ना पूछें, आपने कहना है इंडिकेशन फॉर इट्स यूज आर सच डिजीज विच आर सर कैन नॉट बी डायग्नोस्ड बाई बाई मैनुअल एग्जामिनेशन आर अल्ट्रासाउंड, दे हैव टू बी, इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंडोमेट्रियोसिस, फॉर एडिशंस, फॉर स्मॉल फाइब्रॉइड्स और सिमिलरली इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पेन, एक्यूट पेन और सब फर्टिलिटी ट्यूबर पेटेंसी टेस्ट, ये इसकी इंडिकेशन होगी।
फौरन बोलिए, साथ ही इफ देर इज सम कंट्रा इंडिकेशन फॉर इट्स यूज, कंट्रा इंडिकेशन, इसके इंडिकेशन फिर फौरन बोलिए कंट्रा इंडिकेशन अगर कोई है। मसलन लैप्रोस्कोप की बात हो रही है तो सिवियर कार्डियक डिजीज, जो कि आप न्यूमोपरिटोनियम क्रिएट करते हैं वो डायफ्राम को ऊपर पुश करता है, तो उसकी हार्ट डिजीज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वर्स ना हो जाए, इसलिए वो कंट्रा इंडिकेशन। और एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कि इंटेस्टाइन इतनी डायलेटेड होती हैं कि वो वहाँ स्पेस नहीं है आपको वेरीज नीडल डालने की या स्कोप डालने की, सो दैट वुड बिकम कंट्रा इंडिकेशन। बहुत अगर एक्सटेंसिव लीजन ड्यू टू प्रीवियस मल्टीपल सर्जरीज सस्पेक्ट करते हैं, वो भी एक कंट्रा इंडिकेशन है फॉर लैप्रोस्कोपी। और सिमिलरली बहुत मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट, उनमें डिफिकल्टी हो जाती है टू एंटर, और प्रेगनेंसी भी अगर अम्ब्लाइकस से ऊपर यूट्रस है उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका ट्रोकार कैनुला यूट्रस को इंजर कर दे। तो ये तीन चार कंट्रा इंडिकेशन बोलेंगे आप। तो इंडिकेशन फॉर लैप्रोस्कोपी आर 1, 2, 3, 4, देन कंट्रा इंडिकेशन ग्रॉसली ओबेस पेशेंट, हार्ट डिजीज, देन एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उनमें भी हम नहीं करेंगे। और बहुत ही इल पेशेंट है, कोलैप्स पेशेंट है, उसमें भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके फिर वही डिले हो जाएगी इन मैनेजमेंट और प्लस मे बी विल मेक हर कंडीशन वर्स। चूंकि लैप्रोस्कोप मैंने बीच में डाल दिया, फिर नेक्स्ट कहेंगे कि इसकी लैप्रोस्कोपी कब करनी चाहिए, आप कहेंगे जी प्रोलिफरेटिव फेज में हम इसकी करेंगे, क्योंकि बेहतर है कि सेक्रेटरी फेज में अगर प्रेगनेंसी होगी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और दूसरा सेक्रेटरी फेज में थिक एंडोमेट्रियम जो है वो ऑस्ट्रिया को ब्लॉक कर देती है, तो मतलब रॉन्ग डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाता है। तो इसलिए टाइमिंग ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट इट शुड बी डन इन प्रोलिफरेटिव फेज, और फिर उसके बाद जब ये आपने कर लिया, नेक्स्ट मोटा सा लिखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पूरी काउंसलिंग, एक लंबी एक क्लास है, आप उसको काउंसल करेंगे अबाउट क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस, और क्या इसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन क्या एडवांटेजेस हैं, ये तीनों बातें काउंसल करनी है। फिर उसकी परमिशन लेके कंसेंट फॉर्म साइन करवाना है। फिर ये आ गया कि जी प्रोसीजर को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने वो सारा कुछ करके पॉसिबल इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं वो आपको आने चाहिए कॉम्प्लिकेशन। वो मैं पढ़ रहा था रात को, देखा कि जनरली कॉम्प्लिकेशन रेट इज 2 in 1,000, ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन फ्री है, 2 in 1,000 कॉम्प्लिकेशन माइनर भी हो सकती हैं, मेजर भी हो सकती है। मेजर है इंजरी टू इंटेस्टाइन, ब्लैडर, लार्ज ब्लड वेसल्स, ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और माइनर है कोई छोटा मोटी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकती है, और लेट जहाँ से आपने स्कोप डाला वहाँ हर्निया बन सकता है, ये माइनर है। तो इस तरह से फिर लास्ट ऑफ ऑल आपने ऐड करना है, रुबीना ने रिसेंटली किताब अपनी छापी है उसमें बार बार एम्फेसिस किया है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपने, आप ये ऐड कीजिए अपने सवाल के जवाब में कि जी प्रॉपरली मैं आखिर में पेशेंट को बताऊंगी भी क्या फाइंडिंग्स हैं और डॉक्यूमेंट भी करूँगी। इसी तरह एग्जैक्टली वी गो अबाउट हिस्टोस्कोपी। हिस्टोस्कोप अनफॉर्चुनेटली सब अस्पतालों में होती नहीं है, इसलिए आप में से अक्सर ने देखी नहीं हुई है, लेकिन हिस्टोस्कोप को पहचान लीजिए, वो नैरो स्टेम होता है उसका, 2 से 3 मिलीमीटर होता है और सीधी होती है, लेकिन ऑपरेटिव हिस्टोस्कोप के साथ 2 चैनल और होते हैं, तो लैप्रोस्कोप का सा एक चैनल,
इसके साथ दो चैनल और होते हैं, एक में से डिस्टेंशन फ्लूड जाने के लिए और दूसरे में से ऑपरेटिंग। मेरी तरफ से तो और खुला है, आपकी तरफ से शायद कोई प्रॉब्लम हो। कि सपना कुमारी ने कहा है कि जी उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी सर, आ रही आवाज। किसी ने भी नहीं किया हाँ आ रही, कोई तो कहे ना आ रही आवाज, सर आ रही आवाज। आ रही आ रही। चलें तो फिर हम ये हिस्टोस्कोप का फर्क मैंने बता दिया आपको कि उसके दो चैनल होते हैं, एक फ्लूइड के लिए टू डिस्टेंट और दूसरा जो होता है वो ऑपरेटिंग चैनल होता है। तो उसी तरह जिस तरह मैंने लैप्रोस्कोप की बताई हैं इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सारी आप उसमें तैयार करिए। हिस्टोस्कोप में ख़ास तौर पर डिस्टेंशन मीडियम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आप सेलाइन इस्तेमाल करेंगे या दूसरा ग्लाइसिन इस्तेमाल करेंगे, ये आप पढ़ लीजिए। तो हिस्टोस्कोप की इंडिकेशंस और वगैरह वगैरह। तीसरा ऑब्स्टेट्रिक का केस, ये सारी सजेशन रूबा की है, मैं तो जो वो कहती हैं वही करता। तो वीवीएफ रिपेयर, मैं खला ये सवाल आया वीवीएफ रिपेयर, वीवीएफ रिपेयर जो है वो मैं खा टोक्स में नहीं हो सकता, वो शायद वाइवा में कोई सी पेशेंट में पूछा जाए। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आखिर में ब्रीफली वो मुझे याद करवा दीजिए जब मैं ख़त्म करूँ कि जी आपने कहा वीवीएफ रिपेयर भी होनी चाहिए, मैं लिख लूँ। अभी तो अब हम ऑब्स्टेट्रिक की तरफ, उन्होंने तीसरा जो स्टेशन बनाया वो एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन ECV, वही बातें होंगी कि पहले उसकी इंडिकेशन क्या है। उसकी इंडिकेशन है कि एबनॉर्मल लाई ऑफ द फीटस, जनरली ब्रीच, इट कुड बी ट्रांसवर्स तो और उबली, तो ये तो उसकी इंडिकेशन होगी। और उसके बाद के करने से पहले कुछ उसकी कंट्रा इंडिकेशन है, मैंने बोला ना पहले इंडिकेशन फिर कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन उसमें यह है कि एनी कॉम्प्लिकेशन अदर देन सिंपल ब्रीच हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो उसमें करेंगे हम। अगर वो हाइपरटेंसिव है, अगर उसको हिस्ट्री ऑफ APH है, प्लेसेंटा प्रीविया है और स्कार्ड यूटरस है, पॉलीहाइड्रामनियोस है, ऑलिगोहाइड्रामनियोस है, ये सारे फाइब्रॉइड यूटरस है, ये सारी कंट्रा इंडिकेशन आपने बोलनी है ECV में। इंडिकेशन तो सिंपल एक होगी, एबनॉर्मल लाई, ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई, लेकिन कंट्रा इंडिकेशन की एक लंबी सी लिस्ट है। मैं फिर बोल देता हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी लाइक APH, लाइक हाइपरटेंशन और फिर पॉलीहाइड्रामनियोस, ऑलिगोहाइड्रामनियोस, फिर यूटरस में फाइब्रॉइड, और ये है कि 37 वीक से पहले अक्सर कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, तो ये सारी कंट्रा इंडिकेशन। फिर उसके बाद इसके ECV करने से पहले प्री रिक्विजिट है, ये सारी नंबर वन तो यही है, ये सारी कंट्रा इंडिकेशन जो मैंने बोली हैं इनको निकालो, एक्सक्लूड करो, एक्सक्लूड दोज कंट्रा इंडिकेशन कि कोई उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं, उस ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं, और ये सारे अननेसेसरी। तो फिर प्री रिक्विजिट हैं कि अल्ट्रासाउंड से कन्फर्म कर लो और इंश्योर करो कि देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन और बेबी की हार्ट बीट वगैरह ठीक है, और फिर पेशेंट को कहो ब्लैडर एम्प्टी करो और देन काउंसल योर पेशेंट, ऐड कर दीजिए काउंसल योर पेशेंट कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इस तरह से करने जा रहा हूँ। और ये तो पेशेंट को आमतौर पर डॉर्सल पोजीशन में लिटा के, फिर प्रोसीजर की मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली या पोस्ट प्रोसीजर ऑपरेशन कहिए इसको, पोस्ट प्रोसीजर देखिए कोई उसको
कोई ब्लीडिंग तो नहीं, फीटल हार्ट जो है वो उसको सुनिए कि एंटेंगलमेंट ऑफ द कॉर्ड तो नहीं हो गई, और ये सारा पक्का करके फिर उसको पेशेंट को ब्रीफ कीजिए अबाउट द प्रोसीजर, सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हुआ है तो क्या, सक्सेसफुल करने से, बल्कि मैंने शुरू में बोला नहीं, फिर करने से पहले देखें वो सीपीडी तो नहीं है, कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर सीपीडी है फिर करने का क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो उसका सेक्शन ही होना है, तो ब्रीज का कर लेंगे। तो टीचर्स आर वाह, ये जल्दी से आप डिसअपीयर कर देते हैं, मैं पूरा पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी अटेंशन नहीं होती। फिर बोलिए सम टाइम टीचर्स, फिर लिखिए नहीं, चलो तो हाँ, तो अगर सी पी डी है फिर तो करना ही नहीं चाहिए, वो भी एक कंट्रा इंडिकेशन होगी इसके करने। फिर पेशेंट को काउंसिल कीजिए कि आप वी आर सक्सेसफुल, यू विल डिलीवर वजाइनली एज कैफेलिक। तो अगर नहीं है उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि वी हैव बीन अनेबल टू डू इट। फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो उसको ब्रीच डिलीवर करेंगे, आजकल फिर करना शुरू हो गया ब्रीच, मेरे ज़माने में तो मैंने पता नहीं हज़ारों ब्रीच डिलीवर की होंगी, लेकिन फिर फेज आ गई वही कैनेडियन स्टडी, तो के जी ब्रीच के कॉम्प्लिकेशन फॉर द बेबी आर मोर, तो इसलिए सब ने ब्रीच को डिलीवर करना ही बंद कर दिया। आप लोगों की ट्रेनिंग ही ना हुई ब्रीच की डिलीवरी की, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रीच डिलीवर करने का, इसलिए ब्रीच अब कहा भी जा रहा है ब्रीच को डिलीवर करो तो लोग कर नहीं रहे, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी इंसेक्शन है। तो ये आपने ईसीवी, मैं फिर बोलता हूँ, पहले बोलना है कि करेंगे किस में, इंडिकेशन क्या है, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन पूरा लफ्ज बोलिए, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बड़ी लंबी सी लिस्ट है, फिर प्री रिक्विजिट है उसको काउंसिल करेंगे, और फिर उसकी पोजीशन बना के अगर सक्सेसफुल है तो उसको बताएंगे, अगर अनसक्सेसफुल है फिर भी उसको बताएंगे। नेक्स्ट, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक के वो वेंट्रूस का कपड़ा होगा या कोई फोर्सेप्स पड़ेगा, दोनों एक की इकट्ठा करके बोल लेते हैं। कोई बात नहीं है, तो इन्होंने कुछ कमेंट लिखा है अबाउट एग्जाम, अनम्यूट करके आप वॉइस कर लें डॉक्टर, ताकि सर को ना क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सर तो मैं वॉइस पे बोले तो फिर मेरे लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये टाइप आता है तो मेरी अटेंशन तो होती बाय द टाइम आई लुक एट इट। सर मोस्टली जो है ना टॉक्स में इस तरह से होता है कि पेशेंट, हम जब बैठे हुए होते हैं कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैम कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती, वो ना ही फर्दर कोई क्वेश्चन अराइज कर रही होती है, तो हम भी देख रहे होते हैं, फिर घंटी बज जाती है, फर्दर हम क्या करें फिर वो। नहीं तभी तो आप समझें जैसे वो है या नहीं है, ये जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया, उनका एक एल्गोरिथम बना दी कि आपने ये चीजें बोलनी है, आपने इंडिकेशन बोलनी है, कंट्रा इंडिकेशन बोलनी है, फिर काउंसिल करना है, फिर उनको फिर काउंसिल करने के बाद प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है, ऐसे ऐसे करूंगी बाद में उसकी। नहीं, जी जी सर, ऐसे किया। चार पांच, एक मिनट, चार पांच टॉपिक हर स्टेशन पे आपने बोलने जो जी, भी जी, है सर ऐसे ही हुआ, मगर मैम ने मुझे बोला कि आपसे मैंने पूछा आप क्यों बता रही हैं, आपसे तो मैंने ऐसा नहीं पूछा। उनको ये कहने का हक नहीं है कि मैंने पूछा है, तो फिर आप पूछो क्या पूछो, ये स्पेसिमेंट पड़ा है इसका जो वो कहें जी, फॉरगेट अबाउट इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन, टेल मी हाउ विल यू डू इट, फिर ठीक है, फिर आप इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन ना बोलें तो उसका प्रोसीजर ही बताएं कि हम ये प्रोसीजर इस तरह से करेंगे। अगर उनका ये फोर्सेस पड़ा है बताइए, तो आप शुरू आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन, प्रोसीजर, बीच में काउंसलिंग, फिर ये इसी तरह बोलेंगे आप, लेकिन अगर वो कहती है तो आई डोंट नो, पता नहीं, फिर मैं उनके मतलब कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, आप प्लीज डिस्चार्ज का भी बताइएगा जी, सर डिस्चार्ज का भी आप प्लीज स्टेशन जरूर बताइएगा। विजयनल डिस्चार्ज,
जी सर, वो भी स्टेशन इम्पोर्टेंट है, वो आता है। चले मैं अगर टाइम हुआ तो वो भी बता देंगे, लेकिन इतने या तो मैं फिर ये जो आप पूछ रहे हैं इन्हीं पे बोलना शुरू करूं। तो जी एन आर एच ने पूछा, तो वीवीएफ आपने पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं, आप वजाइन डिस्चार्ज पूछ रहे हैं तो उसका भी मैं बता देता हूँ। फिर पहले मैं ये फोर्सेप्स वेंटूस खत्म कर लूं। जी सर जो आपने बताना है वो बता के फिर हमारे भी प्लीज बता दीजिएगा। बेशक लंबी क्लास ले लें, लेकिन प्लीज सर बता दीजिएगा। तो जी तो आई हूँ थोड़ी जी, आज 50-60 आई हूँ, तो लंबी क्लास ले लें। तो हम तो बड़े शौक से आते हैं, लेकिन आपका शौक ही कोई इतना नजर नहीं आता मुझे। तो मैं आपको नहीं कह रहा, जो मौजूद है, जो गैर हाजिर है उनको कह रहा। अच्छा जी, खैर फॉरगेट इट। तो एन मुमकिन है वहाँ पे या फोर्सेस पड़ी हो या वेंटूस। वेंटूस का एक होता है स्टील का कप होता है, 3 साइजेस होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, या वो प्लास्टिक का कप होता है। तो जो भी है दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। और उधर फोर्सेप्स, पुराने ज़माने तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स होती थी जो इस्तेमाल होती थी, बहुत सारी थी, लेकिन अब ये आउटलेट फोर्सेप्स जिसको रिलीज फोर्सेस भी कहते हैं, और मिड कैविटी फोर्सेस सारी ख़त्म हो गई हैं। और पुराने ज़माने में कील एंड फोर्सेप बड़ा, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु इंट्रोड्यूस कील एंड फोर्सेप्स। मैंने फर्रुख रुबीना सबको कील एंड सिखाई, इन्होंने बहुत इस्तेमाल की। फिर कील एंड वेंट आउट ऑफ रिप्यूट, आउट ऑफ रेपुटेशन, कि उसका इस्तेमाल ही बंद हो गया। अब मेरा ख्याल उनको भी भूल गया होगा कील एंड लगाते कैसे, इसलिए अनलाइकली है कि कील एंड फोर्सेस वहाँ होगी। लेकिन उसकी पहचान होता है, उसमें लॉक नहीं होता, स्लाइडिंग लॉक है। खैर, तो ये दो चीज़ें पड़ी हो सकती हैं, या फोर्सेस पड़ी होगी या वेंटूस पड़ा होगा। वही बात कि इसकी इंडिकेशन क्या है, तो वो आपको ये प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, वो उसकी इंडिकेशन है। और लेट स्टेज पे फीटल डिस्ट्रेस कुड आल्सो बी एडेड टू इट, मटर्नल डिस्ट्रेस इन द सेंस इनएबिलिटी ऑफ मदर टू पुश, वो सारी उसी प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज में आ जाती हैं। फिर कंट्रा इंडिकेशन, उसकी कंट्रा इंडिकेशन जो हैं वो काफ़ी हैं, काफ़ी हैं कि वो कंट्रा इंडिकेशन जो हैं वो आप नंबर वन ज़ीरो स्टेशन से नीचे होगा तो करेंगे, ज़ीरो स्टेशन से ऊपर होगा तो नहीं करेंगे, फिर सेक्शन होगा। ये इस तरह के जाल में मत फंस जाइए कि फुल्ली डायलेटेड है, हेड एट ज़ीरो स्टेशन पड़ा है, और फिर आप कहते हैं सेक हैं कितना बेचारी 30 घंटे से लेबर में है, सेक्शन करोगी उसका। तो इस तरह से डोंट गेट ब्रो बीटन बाई एग्जामिनर। आपका एक डेफिनेट लाइन है कि ज़ीरो स्टेशन से ऊपर होगा तो मैं सेक्शन करूँगी, फुल स्टॉप, ना फोर्सेप्स करूँगी ना वेंटूस करूँगी। ज़ीरो स्टेशन से नीचे है तो हेड रोटेटेड टू एंटीरियर पोजीशन है, फिर हम करेंगे फोर्सेप्स। अगर नहीं रोटेटेड तो फिर आप वेंटूस कर सकते हैं, वैक्यूम, फिर आप वेंटूस आप वैक्यूम कर सकते हैं। और उसकी एक लंबी सी लिस्ट है बिफोर यू डू दैट, कि ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, पेन रिलीफ आप एपिडेंडल ब्लॉक लगाएं, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो रिलैक्स यूट्रस पे मत कीजिए, और सारी ये रेक्टम एम्प्टी होनी चाहिए, एसेप्टिक मेजर्स लीजिए और उसको क्लीन ड्रेप कीजिए, और ये सारा कुछ करके फिर आप उसकी कंडीशन सारी फुलफिल करेंगे तो फिर आप हाउ विल यू डू इट। ये मैं डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप स्लाइड करेंगे एक ब्लेड पे, दूसरा लॉक इजीली हो जाएगा तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन डिलीवर कर लेंगे। और फिर एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर लिया सर, ये मैंने मुझे प्लीज बताएगा कि बीच डिलीवरी में आफ्टर कमिंग हेड के लिए जो हम पाइपर यूज करते हैं उसमें कौन सा ब्लेड जो है राइट वाला डाल इंसर्ट पहले करते हैं या लेफ्ट वाला? इट डज मैटर, राइट या लेफ्ट,
तो जनरली स्पीकिंग जो आपके राइट हैंड में है वो राइट साइड पे जाता है ब्लेड, जो लेफ्ट हैंड में है वो लेफ्ट साइड पे जाता है, तो वो इजीली ऊपर नीचे हो सकते हैं, लॉक हो सकते हैं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके मतलब। कोई आपसे बहुत उलझ रहा है इस बारे में कि नहीं वो ब्लेड जो है नीचे वाला वो पहले लगा देगी तो फिर ऊपर हो जाएगा, फिर ये प्रैक्टिकली कोई खास फर्क नहीं। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में भी हेड पे पीछे लगाते हैं, उसका भी राइट लेफ्ट का कुछ नहीं है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में भी कुछ हेड पे जो लगाने हैं जो नॉर्मल से पहले कोई नहीं, आप ये रिंग लीज फोर्सेप्स जो है वो छोटा सा फोर्सेप्स है, उसको अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो यू कैन जस्ट स्लाइड इट अप एंड डाउन, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लॉक होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, यू विल लॉक इट, फिर वो प्रोसीजर जैसा आपने पूछा तो ये सारा करके फिर प्रोसीजर कैसे करते हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगी। और अब मैं फिर पहले वजाइनल डिस्चार्ज बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है पीपीएच में बलून का इस्तेमाल, पीपीआईयूसीडी डालना, कॉपर्टी डालना, इम्प्रोनॉन डालना, मरीना डालना, ये सारे प्लीज बताइएगा। बताए टाइम पौने दस हो गए, चल बीच में अब फिर बजाइन डिस्चार्ज मेरा ख्याल मैं बता देता हूँ, अक्सर आप लोग उस तरह से बताते नहीं, तो अगर पेशेंट वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट करता है, नंबर वन पहली बात तो यह है कि आप उस डिस्चार्ज के मुताबिक चार पांच सवाल पूछिए एग्जामिनर के सामने, लाउड एंड क्लियर पूछिए, वजाइनल डिस्चार्ज कब से है, उसका रिलेशनशिप मेंसेस के साथ है कि नहीं, और ये नेवल ब्रांड फोर्स छोड़ो वो नहीं इस्तेमाल होती है, वॉर्स का ट्रीटमेंट फिर अब फिर वजाइनल डिस्चार्ज ही कर ले, तो वजाइनल डिस्चार्ज कब से है रिलेशन टू मेंसेस आ मैरिज आ क्वाइटस, फिर उसका रंग क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसको इरिटेशन कॉज करता है कि नहीं करता, स्मेली है कि नहीं है, ये चार पांच सवाल आपने पूछने हैं एग्जामिनर के सामने लाउड एंड क्लियर। मैं दोहराता हूँ, पेशेंट डिस्चार्ज कब से है, रिलेशनशिप विद मैरिज, हस्बैंड्स विजिट, दुबई गया हुआ था आया, और मेंसेस के साथ पहले बाद में, फिर क्वांटिटी कितनी है, स्मेल है कि नहीं, इरिटेशन होती है कि नहीं होती है, और ये सारे ये सवाल पूछ के फिर आपने नंबर दो इंस्पेक्शन करनी, तो डिस्चार्ज के लिए कर रहे हैं, डिस्चार्ज के लिए आप डिस्चार्ज के लिए इंस्पेक्शन कीजिए, लुक एट द सर्विक्स, लुक एट द वजाइनल वॉल्स, जो कि कैंडिडा इन्फेक्शन में डिस्चार्ज स्टिकिंग टू द वॉल्स, बाकी फ्लैजल इन्फेक्शन में तो ट्रिकोमोनस वेजिनलिस के इन्फेक्शन में वो वाटरी होता है, वो बाहर आ रहा होता है, लेकिन कैंडिडा इन्फेक्शन में वो स्टिकिंग क्वांटिटी बड़ी थोड़ी होती है, तो आप से कहिए कि मैं स्पेक्ट्रम डाल के आई विल लुक एट द सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल्स के वो कैसी है, फिर जब स्पेकुलम को विड्रॉ करेंगे आई लुक एट द स्पेकुलम उस पे ऊपर कितना डिस्चार्ज है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका कलर क्या है, ये बोलेंगे आप। देन नेक्स्ट यू विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ उसका एक स्वाब ले लेंगे, हाई वजाइनल स्वाब जिसको कहते हैं, उसको लेबोरेटरी भेज देंगे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेट एग्जामिनेशन ऑन द बेड साइड आप करेंगी, उसको डिस्चार्ज को स्लाइड पे डाल के कवर स्लिप डाल के इफ नीड भी थोड़ी सी लाइन ऐड करके, अगर बहुत स्टिकी डिस्चार्ज है तो अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में अगर कैंडिडा इन्फेक्शन है आई विल सी हाइफी एंड स्पोर्स, और अगर टिकोमोनस इन्फेक्शन है आई विल सी मोटाइल फ्लैजेलेट्स, और अगर
ये दोनों नहीं है, आई सी लॉट ऑफ पर्सन्स, यहाँ तक पहुँचाना। मैं फिर बात दोहराता हूँ, अगर विजाइन डिस्चार्ज पेशेंट कंप्लेन करता है, नंबर वन आप उसकी हिस्ट्री लेंगे डिटेल में, ये चार पांच बातें पूछेंगे। नंबर दो आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके कहेंगे आई लुक एट द सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल्स, और वो डिस्चार्ज स्टिकिंग कर रहा है, और आई टेक हाई वजाइनल स्वाब। और फिर दूसरा जब स्पेकुलम निकल आएगा उस पर डिस्चार्ज की वो चार पांच बातें देखूंगी, क्वांटिटी, कलर और क्या मैंने बोला ये चीज़ें, और देखने के बाद फिर बेड साइड एग्जामिनेशन करूंगी। ये बोलिए, अक्सर आपने किया नहीं हुआ, आप भूल जाते, तो बेड साइड एग्जामिनेशन करूंगी, और उसमें कैंडिडा इन्फेक्शन है तो आई सी आई पी एन स्पोर्ट्स, और एग्जामिनेशन करने के लिए लाइन थोड़ी सी डालोगे और कवर स्लिप डालोगे, फिर देखो। तो ट्रिकोमोनस में मोटाइल्स जा रहे होंगे, फ्लैजलेट्स, और अदरवाइज यू विल सी ओनली पर्सन्स, फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट देंगे। अब रह गया बजाय वीवीएफ का, आपने पूछा है, वो एक पूरा लेक्चर ही बन जाता है, तो आई डोंट नो हाउ मच आई शुड से। आप से मैं इतना कह सकता हूँ वीवीएफ की रिपेयर जो है जनरली इट इज़ डन इन थ्री इम्तिहान में पूछा जाए, रिपेयर फोकस्ड है तो जनरली इट इज़ डन इन थ्री लेयर्स। पहले मैं ब्लैडर को बंद करूँगी, फिर बिटवीन ब्लैडर एंड वजाइना जो टिश्यू है उसको इंटरपोज करूँगी, और फिर वजाइना को बंद करूँगी। पुराने ज़माने में इस पर बड़ा जोर दिया जाता था कि ब्लैडर के क्लोजर की लाइन और वजाइना के क्लोजर की लाइन एक नहीं होनी चाहिए, उल्ट होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपस में। अब कोई खास इस पर एम्फेसिस नहीं है, तो लेकिन फोरिस कैथेटर डालूंगी, और वो हर घंटे बाद मैं उसकी ड्रेनेज देखूंगी, 12 घंटे बाद, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हो गया तो फिर ब्लड डिस्टेंड होगा तो आपकी रिपेयर टूट जाएगी। ये याद रखिए, लिख लीजिए, किताब में इस तरह नहीं लिखा कि आई विल पुट पोलिस कैथेटर एंड इंस्ट्रक्ट नर्स टू मेजर आउटपुट एवरी आवर। इसके फिर इरिगेशन भी करेंगे? इरिगेशन किसकी, ब्लैडर की? नो जी, नो, बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमने तो ब्लैडर को बिल्कुल एम्प्टी रखना है। इरिगेशन नो, बड़ा सारा लिख लीजिए नो। थैंक यू सर। और चले फिर इधर ही चले, फोर्सेप्स वगैरह ठीक करो। आपके दो सवाल तो पूरे हो। अब पीपीएच के बलून टेम्पोनाड और बकरी बलून, और वो पीपीएच की मैनेजमेंट, बाकी तो पूरा आपकी क्लास होनी चाहिए पीपीएच की, लेकिन एक बात से यू डिसाइड टू इंसर्ट बलून, वो आप कैसे करेंगे? वो जनरली स्पीकिंग ये होता है कि फोलिस कैथेटर लो और उसके ऊपर एक कंडोम लेके उसको बांध दो, उसका पोलिस का बलून अंदर होना चाहिए कंडोम के अंदर, अच्छी तरह सिल्क्स के बांध दो, फिर उसको अंदर डाल के जब इन्फ्लेट करेंगे तो पोलिस कैथेटर से हवा जो भी है डालेंगे आप, वो कैथेटर से होके वो बलून को इन्फ्लेट करेगा, और बलून इस तरह से इन्फ्लेट हो जाएगा तो अंदर से टेम्पोनाड क्रिएट करेगा, प्रेशर डालेगा यूट्रस के ऊपर, और ये है बकरी। और हमारे दोस्त हैं सर अरुण कुमार, उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया है, उनके मुताबिक इंग्लैंड में पीपीएच की हिस्टेक्टमीज 50% से भी कम हो गई जब से वो बलून ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन है, आप सबको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि सीधा हिस्टेक्टमी की तरफ जाएं, फिर इमरजेंसी हिस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें आप फंस जाएं, तो ये बलून ट्रीटमेंट जो है उस
टेम्पोनॉड विद बलून, ये जरूरी है, आपको आना चाहिए। पीपी आईयूसीडी, पोस्टमार्टम आईयूसीडी बड़ा आजकल प्रमोट हो रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर दैट जो आप पीपी आईयूसीडी उसका धागा लंबा होना चाहिए, उसको इंसर्ट कर दीजिए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा और हाई अप इन नियर द फंडस डालिए, उससे स्पंज होल्डिंग फोर्स से डाल के, और ताकि इट इज़ पेशेंट वो इस स्टेज पे बड़ा रिसेप्टिव होता है कि मेरा तो वहाँ पे अगर पड़ा हो आईयूसीडी तो वो उसके लंबा सा धागा हो तो उसका नाम है PPIUCD, पोस्टमार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो उसको डालना तो आसान है क्योंकि सर्विस खुली होती है, स्पंज होल्डिंग फोर्स से पकड़ के धागा लंबा होना चाहिए, ये जरूरी है। इसी तरह कॉपर टी के इंसर्शन में स्किप कर जाता हूँ आपको, इम्प्लानॉन आप पहचान सकेंगी तो उसकी तस्वीर से कई दफा देखी होगी आपने, कहाँ डालते हैं कि अपर आर्म में डालते हैं और मीडियल मैल्यूरस जो है मीडियल एपिकंडल उससे 4-5 इंच ऊपर मेजर करके वो डाल देते हैं, 6-7 जितनी भी होती हैं वो इम्प्लानॉन की, उसके अंदर होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो और हाउ इफेक्टिव इट इज़, वो सारी बातें उसके कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए कि वो उसमें कौन सा प्रोजेस्टोजन है। थोड़ा सा आपको COVID-19 के मतलब आप लोगों ने सामने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ बाउंड टू बी कि वहाँ एक सवाल कोविड रिलेटेड हो, लेकिन मुख्तसरन ये है कि कोविड प्रेगनेंसी के दौरान हो तो ना बच्चे पे को असर है, अलबत्त ख्याल ये है कि माँ की बीमारी तो थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर होती है, लेकिन सेम कॉम्प्लिकेशन सेम डिजीज़ एज विदाउट प्रेगनेंसी, अलबत्ता कोविड बच्चा डिलीवर हो तो माँ को कोविड था तो उसका टेस्ट करना चाहिए दूसरे दिन 5वें दिन कि पॉजिटिव तो नहीं है, फिर उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है, अगर माँ पॉजिटिव है और बच्चा जो है वो उसको नहीं है तो लैक्टेशन हो सकती है कि नहीं, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस लैक्टेशन हो सकती है, बेबी कैन बी ब्रेस्टफेड, मैंने 3-4 बातें कही मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। नंबर 1, कोविड हो जाए प्रेगनेंसी में उसी तरह बीमारी है जैसे नॉन कोविड नॉन प्रेगनेंट को होती है, तो थोड़ा सा मार्जिनली ज़्यादा सीवियर, अगर बच्चे को ज़रूरी नहीं पास ऑन हो लेकिन बच्चे का दूसरे और 5वें दिन टेस्ट होना चाहिए, और जी बिल्कुल दी जा सकती है वैक्सीन, तो और नंबर 2 कि अगर माँ पॉजिटिव है बच्चा डिलीवर हुआ है उसको लैक्टेशन की जा सकती है, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस लैक्टेशन की जा सकती है, वैक्सीनेशन भी हो सकती है। तो सारी वैक्सीन बता दें और जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि ये पहले 21 डेज था और अब शायद 4 वीक्स हो गया सर, वो भी साइनोफार्म और बाकी एस्ट्राजेनेका जो मुझे सर उसकी ड्यूरेशन भी इतनी डिटेल नहीं पता, प्लीज आई एम सो सॉरी, आप कौन सी वैक्सीन कब लग सकती है ये मुझे नहीं, अलबत्त नेक्स्ट आ गया ये लिस्ट में तो 4th degree perineal tear उसकी रिपेयर, वो कही है कि जी 3 layers में करूँगी, पहले एनल म्यूकोजा को सूचर करूँगी इंटरप्टेड सूचर से, फिर इंटरप्टेड सूचर से करूँगी मसल्स इन बिटवीन वजाइनल वॉल एंड एनल म्यूकोजा, फिर वजाइनल वॉल को रिपेयर करूँगी, 3 layers ये है। उसके बाद खास पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लूज मोशन हो तो अच्छी बात है, इन्होंने तो ब्रीच डिलीवरी भी रखा हुआ, मैं नहीं करता आज।
ये जो इन्होंने लिखे थे वो तकरीबन पूरे हो गए। हमारे पास 2-3 मिनट है, कुछ आपने पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि पेशेंट जब इनफर्टिलिटी के साथ आती है, हमें ओवुलेशन इंडक्शन देना हो, हम उसका स्कैन करें और हमें अगर 5 सेंटीमीटर तक 5 to 7 सेंटीमीटर की सिस्ट मिल रही हो, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो, तो उस पे ओवुलेशन करेंगे क्योंकि फिर वो सिस्ट बड़ी नहीं हो जाएगी। जनरली रिकमेंडेड ये है कि 5 सेंटीमीटर की सिस्ट हो तो आप नंबर वन इफ यू थिंक इज फंक्शनल सिस्ट, तो क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक फंक्शनल हो सकती है तो फिर तो आप पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि फंक्शनल सिस्ट 1 साइकिल नहीं तो 2 साइकिल में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाएगी, फिर कर लीजिए। अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो फंक्शनल सिस्ट नहीं है, तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि उसकी लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करवाइए, ताकि वो आपके मॉनिटरिंग ऑफ द जहाँ पे बड़ी सारी सिस्ट पड़ी होगी आपको पूरे फॉलिकल नजर नहीं आएंगे TVS पे, तो इसलिए आपके मॉनिटरिंग ऑफ स्टिमुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो टू सम इट अप, अगर 5 सेंटीमीटर फंक्शनल सिस्ट है, पोस्टपोन स्टिमुलेशन एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस डिसअपीयरेंस और रिजॉर्प्शन ऑफ द सिस्ट। अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, फंक्शनल नहीं है, इट इज बेटर टू डू लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी एंड देन स्टिमुलेट। जी, यूरोडायनामिक्स मैंने लिखा था, और सिर्फ ये यूरोडायनामिक्स के चार्ट मेरे सवाल आया था, मैं बड़े हैवी हार्ट से बताऊं, मुझे खुद नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यूरोडायनामिक्स के चार्ट जो हैं वो चार्ट, जब बात चार्ट तक पहुंचती है तो वो फिर यूरो गायनेकोलॉजिस्ट हो या तो स्पेशलिस्ट, आजकल पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए। मेरे पास तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, यूरोलॉजिस्ट विल डू द स्टडी के ये डिट्रूजर इंस्टेबिलिटी है, हाइपर एक्टिव डिट्रूजर है या कुछ और वजह है, क्योंकि आपने फर्क करना है कि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या नहीं, क्योंकि जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को हम कैली स्टिच से लेकर सस्पेंशन तक TVT टेंशन फ्री वजाइनल टेप, TVT टेंशन फ्री वजाइनल टेप और वो करते हैं, या फिर स्लिंग ऑपरेशन दूसरे जो हैं वो करते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे आप सबको ऑलरेडी आता है, तो सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ। जी हाँ, 10 तो बज गया, कुछ कहना हो आपने पूछी, सर दे आस्क इन डिटेल अबाउट, नो नहीं पूछते मेरा नहीं ख्याल, तो अगर पूछते हैं तो प्लीज किसी पढ़े लिखे से पूछ लीजिए, यूरोडायनामिक्स मुझे नहीं आता, मैंने आपको जो नहीं आता कह देना चाहिए नहीं आता। हाँ एक बात मैं कह दूं, अगर इम्तिहान में कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो ऐसे दाएं बाएं ना मारो, कुक अपना करो, आप कह देंगे मुझे नहीं आता तो सवाल दूसरा पूछ लेगी, अगर अच्छी एग्जामिनर है तो दूसरा पूछ, आपका टाइम बच गया, दूसरे का जवाब आता है तो फिर आपको पास करने की गुंजाइश है। अगर आप ये सवाल आता नहीं, दाएं बाएं मारती हैं, 4-5 मिनट उसी में जाया हो गए, आपका वक्त जाया हो गया, सवाल का जवाब कोई आया नहीं, आप फेल हो जाए। तो लर्न टू से आई डोंट नो, मैंने आज आपके सामने बोला आई डोंट नो, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे सवाल आया IOI के प्रोटोकॉल, अब तो 10 बज गए, मे बी आप सबका इम्तिहान क्या इसी हफ्ते हो रहा है, SCPS का टोस्ट कर ले और MCPS का मोस्ट प्रोबेबली 30th August के बाद। चले खैर, बाकी बहुत सारे ये तो मैंने बहुत हरिडली किया, मुझे तो तसल्ली नहीं हुई है सारे इस तरह से करने की,
लेकिन जो कि इतने सारे टॉपिक तो अगले इतवार को कर ले आप कहते हैं, तो यही टॉक्स का यही पैटर्न हम जारी रखते हैं अगले इतवार भी केस प्रेजेंटेशन की बजाय। चलो जी, इसका कल है, मैं उनको गुड लक विश करता हूँ। हाँ एक बात, अब सब मौजूद तो आप आते हो हमारे कोर्स में, हमें तो बड़ी खुशी होती है। जो पास हो जाएं कम से कम रूबा को इतला तो कर दें, ताकि हमें भी थोड़ी इनकरेजमेंट होगी कि हमारे कोर्स के अटेंड किए हुए कुछ बच्चे या बच्चियां पास हो गई। आप तो पास होके इतला भी नहीं करते, भूल जाते हैं हमें, जैसे कि हम जानते नहीं पहचानते नहीं। इंशाल्लाह सर आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं, और हमारे इर्द-गिर्द वाले लोग जो जिनसे बात होती है हमारे, तो यही कहते हैं डॉक्टर राशिद लतीफ के लेक्चर सुन के ही हम पास हुए हैं और हम बने हैं। सर आजकल तो लोग 25,000 रुपया ले रहे हैं और हफ्ते में सिर्फ एक क्लास देते हैं या दो क्लासेस देते हैं। आपके लिए दिल से दुआएं कि आप फीस धीरे लाभ में पढ़ा रहे हैं, इस तरह सर इसको जारी रखें। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जरा ये रूबा को इनकरेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो कोर्स की कन्वीनर है, और मैं उनसे हर वक्त रिक्वेस्ट करता रहता हूँ तुमने जारी रखना है कोर्स, तुमने जारी रखना है। थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आई होप थैंक यू सर। थैंक यू सर।